standard, and today we are going to learn about our lesson is Mohan likes reading. आज हम देखेंगे इस लेसन के आधारित क्वेश्चन आंसर्स. So in your textbook, page number is 68. Okay. So talk about these questions. So our first question is, what was Mohan doing in the room? What was Mohan doing in the room? Mohan क्या कर रहा था? Room में Mohan was reading book in the library. जिस रूम में मोहन था वो लाइब्रेरी थी और लाइब्रेरी में मोहन जो है वो बुक्स रीड कर रहा था, बुक्स पढ़ रहा था. देन सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द टाइम ऑन द क्लॉक. व्हाट वाज द टाइम ऑन द क्लॉक. अब जब मोहन की किताबें पढ़कर हो गई तो घड़ी में क्या टाइम हुआ था? द टाइम वाज 10 past 5. Okay. The third question, why was Mohan not look at the clock before? अब मोहन ने पढ़ने से पहले या पढ़ते समय क्लॉक की तरफ क्यों नहीं देखा? Because he was busy in reading. क्योंकि वो पढ़ने में इतना धुन था, इतना बिजी था कि जिसकी वजह से उसने घड़ी की तरफ देखा भी नहीं, उसका ख्याल तक उसके मन में नहीं आया. Then fourth question, why was Mohan a little frightened? Why was Mohan a little frightened? वो थोड़ा सा घबरा गया था. तो वो क्यों घबरा गया था? देखो, the answer is Mohan was looked around inside library. जब लाइब्रेरी बंद हो गई और लाइब्रेरी में कोई भी इंसान मौजूद नहीं था, वहां पर कोई नहीं था, तो ऐसे में Mohan was looked alone inside library. वो लाइब्रेरी में अकेला था जिसकी वजह से वो घबरा गया. Then fifth question is, whom did Mohan call on the telephone? Whom did Mohan call on the telephone? Telephone पर मोहन ने किससे बात करी? Mohan called senior master on the telephone. जब मोहन घबरा गया था और उसने इधर उधर देखा, उसको मास्टर जी का नंबर मिला और उसी नंबर पर मोहन ने कॉल किया, है ना? सो आंसर इज मोहन कॉल्ड सीनियर मास्टर. उसने सीनियर मास्टर को कॉल किया. देन सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड द सीनियर मास्टर आस्क मोहन. जब मोहन ने कॉल किया तो देखो सीनियर मास्टर ने मोहन से क्या पूछा. सीनियर मास्टर आस्क टू मोहन, कांट ही वेट टिल मॉर्निंग टू रीड द बुक. Okay, then next, what did Mohan tell the senior master? Senior master ko Mohan ne kya kaha? Mohan told that he looked in library. Usne phone par ye kaha Mohan ne ki wo jo hai wo library mein band ho gaya hai. Ye baat Mohan ne senior master se ki. Then last question, how did you think Mohan get out of the library? आपको क्या लगता है कि मोहन लाइब्रेरी के बाहर आ गया होगा? तो ये आपका ओपिनियन है, आप जिस तरह सोचेंगे वही आपका आंसर होगा, है ना? तो जैसा हमने स्टोरी में देखा है कि उसको जैसे ही ख्याल आया, उसने इधर उधर देखा, उसको सीनियर मास्टर का नंबर मिला और जैसे ही नंबर मिला मोहन ने उस नंबर पर फोन लगाया और उसके साथ खुद मास्टर जी ने बात की. और जबकि मोहन एक छोटा बच्चा है, वो घबरा जाएगा. तो हमको यही पॉजिटिवली सोचना है कि जो सीनियर मास्टर है वो मोहन के लिए लाइब्रेरी में जरूर आए होंगे, उन्होंने लाइब्रेरी खोली होगी और मोहन लाइब्रेरी के बाहर आ गया होगा. सीनियर मास्टर पूरी रात, पूरी की पूरी रात मोहन को लाइब्रेरी में नहीं रख सकते थे, है ना? कोई भी ऐसा नहीं सोचेगा. तो हम इसका आंसर लिखेंगे यस, आई थिंक मोहन गेट आउट ऑफ द लाइब्रेरी, है ना? मोहन लाइब्रेरी के बाहर आ गया होगा. ओके, सो दिस इज 8 क्वेश्चंस आर हियर. ओके, 8 क्वेश्चंस है यहाँ पर. तो आपको अपने नोटबुक में ये 8 क्वेश्चन और आंसर उनके अच्छे से नीटली एंड
प्रॉपरली लिखना होगा. ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ. ओके, सो अपना ख्याल.